शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कारोबार की शुरुआत में जहां सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरह फिसले तो वहीं बाजार बंद होते होते बाजी पलट गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 445 अंकों की बढ़त लेकर 80,000 के पार बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 142 अंकों की जोरदार उछाल के साथ 24,274 के लेवल पर क्लोज हुआ। बाजार में अचानक आई इस तेजी के चलते जिन शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला उनमें मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स तक के स्टॉक्स शामिल रहे। इससे पहले सोमवार को शेयर बाजार में कारोबार स्टार्ट होने पर बीएसई सेंसेक्स ने अपने पिछले बंद 79,802 के लेवल से गिरावट के साथ 79,743 के स्तर पर कारोबार शुरू किया और कुछ ही मिनटों में ये 484 अंक फिसल कर 79,318 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। इसी तरह एनएसई निफ्टी ने भी अपने पिछले बंद 24,130 के स्तर से मामूली उछाल के साथ 24,140 के लेवल पर कारोबार शुरू तो किया, लेकिन खुलने के तुरंत बाद इसने भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिला लिया और 120 अंक गिरकर 24,010 पर कारोबार करता नजर आया।